जी हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से बड़ी खुशखबरी आ रही है। लंबा इंतजार खत्म हुआ है, आ गई है पेंशन। नया SMS आया है, इस दिन से जारी 2750 रुपये सभी के खाते में ट्रांसफर करना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों आइए हम आप लोगों को बताते हैं, हरियाणा में सभी के खाते में बुढ़ापा पेंशन की रकम डाल दी गई है। आइए हम आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताते हैं जो कि हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन अभी तक 10 तारीख से और 25 तारीख तक ट्रांसफ़र की जाती थी। इन 15 दिनों में हर हालत में हरियाणा में मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन की राशि सभी के खाते में पहुंच जाती थी। अब वहीं हम आप लोगों को बताते हैं, समाज कल्याण विभाग से नया लेटर जारी हुआ है कि रुकी हुई पेंशन के बारे में, जिनकी रुकी हुई पेंशन है वो भी सुन लो, वो जाए अपनी कार्यालय में जाकर के फैमिली आईडी में इनकम को ठीक करा दे, जिससे उनकी रुकी हुई बुढ़ापा पेंशन भी एक साथ जारी कर दे। समाज कल्याण विभाग से लेटर जारी होते हुए कहा है कि जो बुजुर्ग जिस जिले के दस्तावेज लिए हैं उसे उसी जिले में बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिलेगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि दस्तावेज दूसरे जिले के हों और वो बुढ़ापा पेंशन का गुहार दूसरे जिले में लगा रहा है, ऐसे उसको बुढ़ापा पेंशन का लाभ कभी भी नहीं मिलेगी और उसको बुढ़ापा पेंशन हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तो दोस्तों जुड़े रहे डी न्यूज़ से, धन्यवाद।